रहीम, छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। केएसटी 100 इंडेक्स को देखते हैं आज, क्या एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड है अगले वीक के लिए। थोड़े बहुत चीजें जो कि पॉजिटिव हुई हैं उनमें एक चीज जो है ना वो वीपीलीपी डेटा है वीकली बेस पे, ठीक है। आज का डेटा भी अच्छा है, ठीक है। एंटिटीज इन हुई है, फॉरन कॉर्पोरेट्स ने भी इन एंट्री मारी है, और एक दो और ने अच्छा करके एंट्री मारी हैवी मकदार में, हैवी मकदार में, लेकिन ये कि इन हुए, चिप इन हुए। तो ओवरऑल जो है वो पूरे वीक में कंपनीज ने हाई सेलिंग की है, बहुत ज्यादा सेलिंग कर छोड़ी है, और कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है लेकिन पिछले वीक से कम है, और आज लेकिन ये एंटर हुए, और बाकी एंटिटीज ने ऑलमोस्ट जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके बाइंग की हुई है। इंडिविजुअल बहुत ज्यादा इन नहीं है, नुकसान ने बात है, तो आगे देखते हैं हम सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज कंपनी फॉरन कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा अदर सेक्टर्स में इन हो चुके हैं, तो अदर सेक्टर्स में मूव एक्सपेक्टेड है। इंडिविजुअल कंपनीज ने बहुत ज्यादा सेलिंग की है, ऑलमोस्ट जितनी हमने ऊपर देखी है ना उतनी सेलिंग करके आए हैं। एनबीएफसी वगैरह आउट हैं और ये आउट हैं, तो अदर सेक्टर्स थोड़ा ये है कि म्यूचुअल फंड भी इन है, म्यूचुअल फंड्स भी आउट हैं और ब्रोकर भी आउट हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग वाले आइटम जो है ना वो आउट हैं। तो ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट हल्की हल्की अब बनती है अदर आइटम अदर सेक्टर्स में ना, और कॉर्पोरेट बहुत ज्यादा है। सीमेंट में देख लें तो कॉर्पोरेट्स आउट है और बाकी एंटिटीज म्यूचुअल फंड भी आउट है, तो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही रहेगा ये भी। और बैंक्स देखें तो बैंक्स में भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स आउट है और बाकी एंटिटीज ने लेकिन इन हुई है, तो इसमें मूव रह सकती है। फर्टिलाइजर्स में पीपी भी आउट है और बाकी थोड़े थोड़े करके इन ही है, तो इसमें भी मतलब ये 50-50 रहेगा। और फूड में लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आई है इस दफा ना, फूड में देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है, बैंक्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है, इंडिविजुअल भी आउट हैं जो कि एक अच्छी बात है, और म्यूचुअल फंड भी आउट है, और बाकी एनबीएफसी ने और कंपनीज ने कोई ऐसा कोई एक्टिविटी शो नहीं की, तो ओवरऑल इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही है ओवरऑल। तो लेकिन ये कि ट्रीट ने कोई एक्सेप्शनल मूव ही दे रहा है, वो पता नहीं सट्टा चल रहा है या क्या चल रहा है, लेकिन ये मूव दे रहा है, तो उसको देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें तो फीपी आउट है, बैंक्स इन हैं, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज आउट है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में फीपी इन है जी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, बैंक्स में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में फीपी इन है, और म्यूचुअल फंड आउट है इसमें। पावर जनरेशन में प्रेशर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में फीपी आउट है, कंपनीज आउट है, इंडिविजुअल आउट है, म्यूचुअल फंड आउट है, तो ये भी थोड़ा प्रेशर में ही रहेंगे, लेकिन ये अच्छा सेक्टर है ये। और टेक्सटाइल वीपी आउट, ब्रोकर आउट, कंपनीज आउट, इंडिविजुअल आउट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस इन, तो ये भी 50-50 है। तो ओवरऑल इसमें जो है ना मूव बनेगी, लेकिन ये नहीं है कि इस वीक में कोई बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें परफॉर्मेंस हो जाएगी, ये कि नीचे से उठ के मार्केट ऊपर आ जाएगी, रेंज बाउंड सिचुएशन टाइप जो है ना तो ये एक्सपेक्टेड है, और ये नहीं है कि मार्केट जो है ना इंशाल्लाह तआला ज्यादा घटेगी नहीं, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है कि मार्केट इसको जरा अकोमोडेट वाले रीजन में चली जाएगी, आहिस्ता से अपने आप को सेट कर सकती है, तो हो सकता है पिक भी मार जाए, तो लेकिन ये है कि अब अपने अकोमोडेशन वाले में जाएगी, और इंशाल्लाह तआला इस वीक जो है ना सेलिंग कम ही एक्सपेक्टेड है। मार्केट के लेवल्स देखते हैं कि क्या चीजें एक्सपेक्टेड है, तो KSE 100 इंडेक्स को अगर हम डेली की बेस पे देखें तो डेली बेस पे आज की क्लोजिंग इसने 447 के ऊपर दी है, 444.77 के ऊपर दी है, तो अपने इस रीजन में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 दिन से ये अपने इसी रीजन के अंदर अकोमोडेट हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है। वैसे मंथली बेस में आपको मैंने पिछली वीडियोज में बताया हुआ है, और कि ये जो है ना इसकी रेंज इंडेक्स की 45,000 इस 500 से लेकर 43,800 की रेंज है इस मंथ की। दोनों में से कोई एक चीज भी ब्रेक हो गई, जो भी ब्रेक होगा उस तरफ मार्केट जो है ना बहुत तेजी के साथ चली जाएगी, तो वही हो रहा है अभी तक, 45,100 तक गई है मार्केट, लेकिन अपने आगे नहीं क्रॉस कर पाई और नीचे को जाती है तो 44 से बैक होती है। तहम ये एक डबल बॉटम लगा हुआ है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मार्केट अपनी सपोर्ट जोन में फिर रही है। मैग्डी को देखें तो डेली बेसिस पे अच्छी बात ये है, फीपीलीपी डेटे के बाद वीकली बेस पे के डेली बेस पे इसने थोड़ी गिरावट कम की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ये एक्सपेक्टेड है कि अब ये हिस्टोग्राम जो है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे,
और इंशाल्लाह ताला ये स्टेप देखें, ये ऊपर की तरफ जाना, अब जीरो की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे भी कट जाएगी तो थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड तो ये है, बाकी अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो डेली बेस पे, ये डेली बेस पे, और RSI वीकन हुआ है 33 की स्पोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, 30 की स्पोर्ट पे खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये अपनी 19 से हिट करके ऊपर आ चुका है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से ही ऊपर ही जाएगा, और ये भी कह रहा है ऊपर की तरफ ही है। तो डेली बेस पे थोड़ी एक्टिविटी रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग लेकिन आती रहेगी। और वीकली बेस पे अगर देख लें तो हिस्टोग्राम जो है वो लोअर बैंड की तरफ चिपके हुए हैं, ठीक है, चिपके हुए हैं क्या, बल्कि आउट ही है एक तरह से, अभी तो लाइन में चिपकना रहता है। तो प्रॉफिट टेकिंग आएगी, ये तो श्योर शॉर्ट बात है कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो अगर इस वीक मार्केट आपको 45-200 से ऊपर क्लोजिंग दे जाए ना, कहीं 700-800 पॉइंट की मार्केट से चाहिए बस कवर करने के लिए, तो अगर ये इस पॉइंट से ऊपर अगर क्लोज हो जाए ना तो बेहतरीन हो जाएगा। और मार्केट की 20 DMA कहाँ फिर रही है, 20 DMA फिर रही है इस वक्त 45,400 के पास, लेकिन मार्केट को जो है ना वो 45,200 की क्लोजिंग भी जो है ना मार्केट को इंशाल्लाह ताला अगले वीक के लिए सपोर्टिव हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है जो कि क्लोजिंग दे सकती है। और इसके बाद वीकली मैकडी देखें तो लेंथ जो है ना वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग साइड पे है, लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह ताला अगला जो है ना वो मेरे लिहाज से ये अगली कम भी ना हो, लेकिन ये कि वीक थोड़ी मतलब कम रेड जो है ना वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद तो फिर ये यहीं तक ही आएगा या फिर अब वीक होगा, तो इंशाल्लाह ताला वीक होगा इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। और RSI जो है ना वो 27 पे है, सपोर्ट इसकी 18 के ऊपर कह रहा है कि अवेलेबल है। ये एक खतरनाक सी बात है कि RSI का मुंह नीचे को है और वो सपोर्ट कह रहा है थोड़ी नीचे अवेलेबल है, तो मतलब ये टेस्ट कर सकती है नीचे वाले जोन में। पिछली दफा जब स्टोकेस्टिक यहाँ पे आया था तो 29 मार्च से 3 मई तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ रहा था, और यहाँ पे जब आया था 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रहा था, 3 ऑलमोस्ट 1 मंथ रहा था। और यहाँ पे देख लें 24 फरवरी से, तो 1 मंथ रहा था ये। तो अब जो है ना ये 13 सितंबर से आज 13 अक्टूबर होने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी ये भी एक्टिविटी जो है ना वो लिमिट को अप्रोच कर गई है। तो यहाँ पे अगला वीक जो है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ से ये मोड़ना आप स्टार्ट कर देगा। तो 13-6 सितंबर से 6 अक्टूबर हो गई है, मतलब आज तो 8 अक्टूबर हो गई, तो 11 को तो मार्केट खुलेगी, तो ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ हो गया। तो इतना ही टाइम लगाया है इसने पिछले 2-3 लोअर में ना, तो इंशाल्लाह ताला ये बस अब आप अकोमोडेशन की तरफ चले जाएं, और जो अच्छे आइटम हैं जो बहुत ज्यादा घट चुके हैं वो इंशाल्लाह ताला अब अच्छी हो सकते हैं। तो लेकिन स्टिल थोड़ा थोड़ा करके जब तक ये लोअर बैंड को छोड़ नहीं ना देता वीकली बेस पे कैंडल, तब तक आपने प्रॉफिट टेकिंग करते रहना। ट्रेडिंग आपको अच्छी मिलेगी, अकोमोडेट करना है तो आहिस्ता आहिस्ता करके करना है, एकदम करके नहीं बैठ जाना। मंथली बेस पे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मंथली बेस पे 41,771 इसका सपोर्ट जोन अवेलेबल है, लेकिन मंथली बेस पे आपको 43,500 का और 43,800 का लेवल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्टिव जोन अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह ताला ये यहीं से ही बैक होगी इंशाल्लाह। और इसके बाद स्टोकास्टिक, लेकिन एक बुरी खबर सुना रही है कि ये थोड़ा नीचे को है इस मंथ में, तो लेट्स सी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगले 1-2 वीक जो है ना वो थोड़ा अच्छा रह जाएंगे और पॉजिटिविटी की उम्मीद है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी। तो आपने जो भी लें वो प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, और नीचे खरीद के ऊपर लाजमी थोड़ा बहुत सेल करके नीचे आ जाएं। जब भी जैसी मार्केट अपने रेजिस्टर्ड एरिया को अप्रोच करती है तो थोड़ा बहुत सेल करके नीचे की तरफ आ जाएं और उसको आगे नीचे ले लें यहाँ पे, या फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कॉम्बिनेशन पे चले जाएं। जो आइटम घट चुके हैं उन्होंने वापसी भी आना है, और जो जितने तेजी से घटे हैं उन्होंने उतनी तेजी से वापस भी आना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना पॉजिटिव चाल दे सकती है। तो ये था जी मेरी तरफ से वीकली बेस पे ओवरव्यू मार्केट का, और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला लोगों के लॉस रिकवर होंगे, और अच्छे की उम्मीद है अंटिल अनलेस को कोई न्यूज़ ही बहुत किस्म की ना आ जाए। न्यूज़ की मैं बात सुना दूँ आपको, न्यूज़ मार्केट में बुरी सर्कुलेट हो रही है इस टाइम, ठीक है, IMF का भी प्रेशर आ चुका है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कह रहे हैं कि बढ़ाएं,
ठीक है, मुतालबे आई जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो है ना वो कोई न्यूज़ पॉजिटिव एज सच आ नहीं रही जिसको ना इंडेक्स थोड़ी सपोर्ट लेके और आगे की तरफ चला जाए। तो न्यूज़ नेगेटिव है, और ऊपर से नवंबर में जो है वो इसने एफएम में भी आ जाना है, तो नवंबर के बाद शायद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है ना वो ठीक कर दे। और तब तक ये भी जो है ना ये गुरु साहब भी जो है ना ये थोड़ा यहाँ तक पहुंच चुके होंगे और वापसी की उम्मीद में आ गए होंगे। तो ये कि अगले, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था कि जो है ना 1-2 मंथ ऐसे ही रहेगी मार्केट। अब मार्केट ठीक होगी नवंबर के बाद, तो लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। पहले भी वापस हो सकती है, हम तो सिर्फ ये ग्राफों की बेस पे आपको बता रहे हैं, मैं कोई ब्रोकर तो नहीं हूँ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं तो ये चीज जो मुझे ये ग्राफ बता रहे हैं मैं वो चीज़ आपको इंटरप्रेट कर रहा हूँ अपनी जुबान में, कि मैं ये समझ रहा हूँ इस चीज से, बाकी कुछ भी हो सकता है। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।